नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नेताओं की कुंडली खोलना शुरू करें उससे पहले एक नजर अब तक की चुनाव चालीसा पर डाल लेते हैं। कांग्रेस ने 2019 चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा के घोषणा पत्र को घोषणा पत्र का नाम जन आवाज दिया है। कवर पेज पर हम निभाएंगे लिखा है, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। राहुल गांधी ने अपने जन आवाज पत्र में अपना पहला वादा गरीबों के खातों में 72,000 रुपए डालने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना को लागू करने का वादा पूरे विश्लेषण के बाद किया गया है। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। राहुल गांधी ने अपने जन आवास पत्र में अपना पहला वादा गरीबों के खातों में 72,000 रुपए डालने का किया। राहुल ने कहा कि न्याय योजना को लागू करने का वादा पूरा विश्लेषण के बाद किया गया है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। कांग्रेस ने अपनी बहुआकांक्षी योजना मनरेगा को भी अपने मैनिफेस्टो में मॉडिफाई किया। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा के तहत 100 दिन की बजाय 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को बिजनेस के लिए प्रेरित करने के इरादे से 3 साल तक बिना सरकारी अनुमति के बिजनेस चलाने देने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को बिजनेस के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग से बजट के लिए प्रावधान का वादा किया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में किसानों पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने देने का वादा किया। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जीएसटी को नए तरीके से लाने के बाद एक बार भी जोर दिया गया। इस संबंध में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स की चपत लगाई, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर न्याय यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना और असली जीएसटी लाएगी। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है तो नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नीति आयोग के पास प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग करने और फर्जी आंकड़े तैयार करने के सिवाय कोई काम नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि पीएम चाहे तो मुझसे भ्रष्टाचार, व्यापार, विदेश और रक्षा नीति पर बहस कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे से आके डिबेट करें। आए चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, नेशनल सिक्योरिटी पे मुझसे डिबेट करके, फॉरेन पॉलिसी पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी ने युवाओं से वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अकेले यूपी में 14.5 करोड़ वोटर हैं, जिनमें बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान देश पर हमला करता था पर विपक्षी सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार में इस तरह की हरकतों पर माकूल जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान कई बार भारत के अंदर हमला करता था, सरकारों की हिम्मत नहीं थी कि वे उस
पाकिस्तान का जवाब दे सके। जवान इंतजार करता था कि जैसे ही आदेश मिलेगा हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देंगे, लेकिन सरकारों के पास दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। जदयू नेता के सी त्यागी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद उमर अब्दुल्ला बयान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला चुनाव में पहले गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 के पक्ष में हम हैं और चुनाव से पहले ये बात कर वो मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और ये चुनाव में को ध्यान में रख करके अपनी असफलताओं को भी छिपाना चाहते। फतेहपुर सीकरी से बीएसपी प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गुड्डूपंथी अपने काफिले के साथ खुलेआम शहर में नियम कानून को धता बताते हुए अपने वाहनों में धड़ल्ले से हूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जारी क्या था मुहूर्त, क्या है ग्रहों की तैयारी, कितना पड़ेगा घोषणा पत्र का असर, क्या ग्रहों की चाल कांग्रेस पर पड़ेगी भारी। राहुल और कांग्रेस की कुंडली का सबसे सटीक विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं। चुनाव से जुड़ा खास प्रोग्राम चुनावी पंडित। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद आपको लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देने का है। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। इनकी कुंडली का सबसे सटीक विश्लेषण बताने के लिए मौजूद है हमारे खास मेहमान चुनावी पंडित आचार्य धनंजय जी। आपका बहुत स्वागत इस स्टूडियो में। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं आचार्य जी जी कि कांग्रेस पार्टी के सितारे इस बार क्या कह रहे हैं, ये बताइए आप जी। कांग्रेस पार्टी की जन्म कुंडली यदि देखी जाए और वर्तमान समय का गोचर देखा जाए तो जाहिर सी बात है ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वर्तमान समय में मजबूत बन रही है और इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि कांग्रेस का जो परिणाम आएगा राजनीतिक दृष्टिकोण से वो पहले की तुलना में अच्छा आने वाला है। 28 दिसंबर 1885 और मुख्यालय दिल्ली कांग्रेस की जो जन्मपत्री मैंने देखी इसमें सनी की जो स्थिति दिख रही है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही विशिष्ट महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, सनी शत्रुहंता योग बना रहे हैं। चंद्रमा और राहु की जो युति बन रही है वो थोड़ा सा पीड़ित करने वाली है और बुध की जो स्थिति बन रही है चूंकि बृहस्पति इस कुंडली में लग्नेश और दशमेश होकर के चतुर्थ स्थान पर ऐश्वर्य के स्थान पर बैठे हैं और अपने स्वयं के घर को दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य और शुक्र की युति दशम भाव में बन रही है और निश्चित रूप से वर्तमान समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से चूंकि गोचर से भी बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है और बृहस्पति बहुत ही मजबूत स्थिति में है। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं इसके अनुसार मैं सीधे सीधे स्पष्ट रूप से ये बात कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो परिणाम आएगा वो शुभ स्थिति में रहेगा। केवल चंद्रमा राहु की जो स्थिति है ये ज्योतिषी दृष्टिकोण से कष्टकारी स्थिति है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रहों के साथ यदि राहु विराजमान होते हैं तो ये कष्टकारी है। बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है वो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ मिलने की इसमें पूरी पूरी उम्मीद है। तो आचार्य जी ये तो आपने बताया कि कांग्रेस के बारे में, क्या कांग्रेस के ग्रहों की चाल जी लोगों के खेल बिगाड़ेगी दूसरे दलों के? बिल्कुल। इस बार जो विपक्ष की चूंकि शनि की जो स्थिति बन रही है छठा स्थान शत्रुओं का स्थान और शनि या कोई भी पाप ग्रह जैसे राहु हैं मंगल हैं अशुभ स्थान पर अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। शनि का राहु का विशेष रूप से छठे स्थान पर होना शत्रुओं के लिए कष्टकारी होता है। यदि शनि की बात की जाए
तो सनी को न्याय का देवता कहते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने की प्रक्रिया में सनी ग्रह की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सनी छठे स्थान पर विराजमान है और सनी की छठे स्थान पर स्थिति जाहिर सी बात है विरोधियों के लिए कष्टकारी होगी और शनि कांग्रेस पार्टी को लाभ देंगे। विरोधियों को शनि की स्थिति से नुकसान पहुंचेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आचार्य जी ये भी बताइए कि घोषणा पत्र के लिए आज मंगलवार का दिन कितना शुभ रहेगा कांग्रेस के लिए? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। हालांकि जो जन्म कुंडली मुझे उपलब्ध हुई उसमें मंगल की स्थिति कमजोर है और यही वजह है कि मंगलवार का दिन चुना गया है और मंगलवार की जो स्थिति है चूंकि भाग्येश है मीन, तो भाग्य के लिए, भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ रहेगा। आज की तिथि में ये जो योग बन रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से इनको निश्चित रूप से ये जो घोषणा इन्होंने की है इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्य जी कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है कि मैं भी बेरोजगार जी, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना सफल होने वाला है? देखिए जब भी हम किसी भी नारे की बात करते हैं कुछ ऐसे नारे होते हैं जो जन जन की जुबान पर चढ़ जाते हैं। बृहस्पति की चूंकि दशम भाव पर शुभ दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति इस मामले में बहुत ही शुभ इनको परिणाम देने जा रहा है। ये नारा हो सकता है उतना सफल ना हो लेकिन इसका परिणाम बहुत ही सफल इनको मिलेगा और इसका प्रभाव निश्चित रूप से इनको शुभ मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्य जी 2019 के चुनाव के लिए कांग्रेस को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक ही बात मैं कहूंगा कि जो भाग्येश की स्थिति है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा निराश हूँ कि वो उतना प्रबल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी यदि ऐसी बात सोचती है कि पूर्ण रूपेण विजय उनके हाथ में है ये स्थिति तो नहीं बनेगी। हाँ लेकिन इतना जरूर कहने में मुझे तनिक भी संशय नहीं है कि पहले की तुलना में इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत रहने वाली है और इनको सावधानी के संदर्भ में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हनुमान अष्टक का विधि विधान से प्रयोग करना चाहिए। दूसरी एक बात कि जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जो सूर्य की स्थिति बन रही है इनकी कुंडली में दशम भाव में और धनेश मंगल है, तो जो कार्यकर्ता हैं, जो कुटुंब स्थान है, जो एकादश स्थान के स्वामी होकर के शनि देव की जो कृपा मिल रही है, तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पंडित जी एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अपने दर्शकों को बताएंगे राहुल गांधी की कुंडली के बारे में। जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी पंडित में। तो गुरु जी अब हम बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में, इनके सितारे क्या कह रहे हैं बताइए जरा। जी राहुल जी की जन्म कुंडली का वर्तमान समय में यदि अध्ययन करके देखूं मैं, मैंने जो देखा है तो 18 जून 1970 ये आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, जन्म स्थान इनका दिल्ली है। इनकी जो जन्म कुंडली है वर्तमान समय में शनि की इनके ऊपर विशिष्ट कृपा नहीं हो पा रही है, बस शनि देव के प्रभाव के कारण जो इसका परिणाम है वो बहुत ही धीमी गति से आ रहा है। जैसा कि इनके भाषणों में, इनकी सारी गतिविधियों में है, जितना ये सक्रिय हैं और जितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं उस हिसाब से यदि इनकी जन्म कुंडली को देखा जाए लग्नेश और धनेश होकर के शनि अपनी नीच की राशि में चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। दूसरी एक बात की वृश्चिक राशि के जातक है और वर्तमान समय में शनि की 7.5 इनको पीड़ित कर रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि जितनी सफलता इनको प्राप्त होनी चाहिए उस हिसाब से इनको पूर्ण सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सूर्य सत्ता का कारक ग्रह माना जाता है, सूर्य और मंगल की युति छठे स्थान पर बन रही है लेकिन एक बहुत ही प्रबल और शुभ योग बन रहा है, दशमेश शुक्र ठीक अपने से दशम भाव में विराजमान है कर्क राशि में चंद्रमा के घर में और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी एक बहुत मजबूत स्थिति बन रही है, भाग्येश बुध
पंचम भाव में अपने परम मित्र शुक्र के घर में वृष राशि में विराजमान है। ये योग ऐसा योग है कि निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से सफलता प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है, लेकिन जो इसमें कष्टकारी स्थिति बन रही है वो शनि की 7.5 का प्रभाव है और द्वितीय स्थान पर राहु की स्थिति है। पंडित जी, राहुल गांधी के जीतने के चांसेस कितने, चूंकि अमेठी सीट से तो जीत रहे लगातार जी, अब वायनाड से भी लड़ रहे हैं, केरल से यानी तो विजय तो के साथ साथ उनकी पार्टी के जीतने के लिए विजय में तो मुझे कोई संशय नहीं, विजयी तो होंगे, निश्चित रूप से विजयी उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि भाग्येश बहुत ही प्रबल है और अपने परम मित्र के घर में पंचम भाव में विराजमान है। चुनाव जीतने में तो मुझे कहीं से भी कोई इसमें संशय नहीं दिखता कि कोई असुविधा होगी। हाँ, लेकिन जितनी कठिन परिश्रम, चूंकि लग्नेश जब भी कभी जन्म कुंडली में अपनी नीच की स्थिति में हो जाता है तो जातक को ये वेदना देता ही है, और इनकी कुंडली में सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा भी नीच का हो गया और शनि भी नीच का हो गया, लेकिन ज्योतिषीय नियमों को यदि देखा जाए सूक्ष्म आधार पर तो कई बार नीच भंग राजयोग, क्योंकि एक जो राजयोग की स्थिति होती है कि राज परिवार में आप हो या राजाओं के समानांतर हो तो आपको स्वयंभू राजा मान लिया जाता है, उसके बावजूद यदि राजपद की प्राप्ति ना हो तो यह कष्टकारी स्थिति होती है। और शनि चूंकि नीच की स्थिति में चतुर्थ भाव जो कि ऐश्वर्य का भाव है वहां पर विराजमान है, तो निश्चित रूप से शनि के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि शनि देव को कठिन परिश्रम बहुत ही पसंद आता है, शनि इनको बहुत चरमतम कठिन परिश्रम करा करके ही इनको परिणाम देंगे। दूसरी एक बात कि शनि की 7.5 इनको पीड़ित कर रही है, फिर भी यदि ये बात देखी जाए कि 2019 का ये जो चुनाव की जो स्थिति बन रही है इसमें जो इनका प्रभाव रहेगा ये बहुत ही बलशाली रहेगा, और निश्चित रूप से इनकी कुंडली की बात की जाए तो उसमें विजयी रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ही शुभ परिणाम दिला पाएंगे। तो पंडित जी ये भी बताइए कि 2019 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा क्या लग रहा है? नहीं, इसमें तो थोड़ी सी असुविधा इसलिए होगी क्योंकि कई इसमें पैरामीटर होते हैं, कई लोगों का भाग्य जुड़ा होता है, केवल एक व्यक्ति के भाग्य के आधार पर एक तरफा ये निर्णय कर देना कि सरकार बनेगी कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि शनि की 7.5 का और शनि का प्रभाव नरेंद्र मोदी जी पर भी है और राहुल गांधी जी पर भी है, लेकिन चूंकि शनि का शुभ फल उनको प्राप्त हो रहा है, शनि की भावगत स्थिति मोदी जी की बलवान है और वर्तमान समय में राहुल जी की थोड़ी सी कमजोर स्थिति बन रही है, और यही वजह है कि जितना कठिन परिश्रम ये कर रहे हैं उस हिसाब से इनको उतना शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात कहने में मुझे तनिक भी संशय नहीं है कि निश्चित रूप से कांग्रेस का जो परिणाम आएगा और राहुल गांधी जी का जो परिश्रम का शुभ परिणाम आने वाला है इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पंडित जी, एक चीज ये भी बताइए कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या राहुल गांधी के लिए रामबाण साबित होगा? निश्चित रूप से रामबाण साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है और शनि की जो स्थिति बन रही है ये बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा, और जो मंगलवार के दिन का चयन इन्होंने किया है ये भी इनको बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। तो चलिए पंडित जी, आपने आज राहुल गांधी और कांग्रेस की कुंडली के बारे में विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।